उत्तर प्रदेश के जनपद फिरोजाबाद में भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड जीत सिसागंज के डॉक्टर चंदसेन जादन को भारी मतों से जिताकर खुशी की लहर दौड़ गई। शहर कस्बा गांव में जगह जगह आतिशबाजी और मिठाइयां बांटी गई। रामलीला मैदान के समीप हनुमान रोड भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सोहिल अग्रवाल के आवास पर डीजे पर सभी भाजपा के कार्यकर्ताओं ने नाच कूद कर जश्न भी मनाया और आतिशबाजी चलाकर मिठाई बांटी गई। वहीं फिरोजाबाद की महापौर मेयर नुता राठौर एवं नानक चंद्र अग्रवाल, हिमांशु अग्रवाल, मीडिया प्रभारी राजेश अग्रवाल, आलोक अमित गुप्ता, लोकसभा मीडिया प्रभारी संजय कुशवा, पिछड़ा प्रकोष्ठ महानगर अध्यक्ष सुनील अग्रवाल, राजीव अग्रवाल, नितेश अग्रवाल, विवेक अग्रवाल, सुनील टंडन, आनंद अग्रवाल, हेमंत गुप्ता, पंकज अग्रवाल आदि लोग मौजूद रहे। फिरोजाबाद से सौराज सिंह, जिला संवाददाता की रिपोर्ट, एसकेएच न्यूज। किस तरह का जश्न मनाया गया यहाँ? देश में भारतीय जनता पार्टी के माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी को फिर से एक बार प्रधानमंत्री सुनने के लिए समस्त देश की जनता को हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। और साथ में फिरोजाबाद लोकसभा सीट के लिए जिस तरह की कठिन परिश्रम का परिचय देकर हमारे सभी कार्यकर्ताओं ने जो जीतोड़ मेहनत की है, सभी के कठिन परिश्रम को प्रणाम करती हूँ। और एक बार फिर से पूरे शहर की और पूरे देश की जनता को हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। आज कहीं ना कहीं सत्य की जीत हुई है और जो मैं कह सकती हूँ कि अहंकार का नाश हुआ है और सत्य की जीत हुई है। भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे कार्यकर्ता रहे और भारी बहुमत से जीत हुई है, तो आपको आज कैसा महसूस हो रहा है? मेरा बहुत ही खुशी का टाइम है, हम जश्न मना रहे हैं। कल रात से दौड़ लगा हुआ है, हम कहीं ना कहीं जाकर लोगों के साथ मिलकर, कार्यकर्ताओं के साथ, वरिष्ठ लोगों के साथ मिलकर इस खुशी का जश्न मना रहे हैं और ये जश्न चलता रहेगा जब तक कार्यकर्ता तरह का जश्न मनाया गया। आज देश में, पूरे देश में एक नए सूरज का उदय हुआ है। भारतीय जनता पार्टी को देश की जनता ने एक विश्वास व्यक्त किया है। देश की स्वतंत्रता के बाद ये पहली ऐसी सरकार है जो सार्वजनिक राष्ट्रवाद के ऊपर विश्वास करती है। इस सरकार के आने के बाद जनम धर्म निर्दिष्टता थी वो ध्वस्त हुई है। आगे से जातवाद, संप्रदायवाद, धर्म के आधार पर जो पार्टियां बनेंगी वो देश चाबू हो जाएंगे। अब केवल कोई वर्ग नहीं है, ये गरीबों का वर्ग है जिसको कि सरकार की सहायता की आवश्यकता है। दूसरा वो वर्ग जो गरीबों की सहायता करने के लिए बन रहे इस तरह मिलजुल कर काम करने वाली सरकार बनी है। सरकार का उद्देश्य 2014 में जब उसको बहुमत मिला था, जनता ने इस पर विश्वास किया था कि सरकार उसको विश्वास पर खड़ी उतरी है। उसने सबका साथ और सबका विकास लेकर के बगैर भेदभाव के सबका विकास किया। जनता ने प्रत्यक्ष देखा और उसका उन्होंने सरकार पर विश्वास करके आगे के लिए मैंडेट दिया है। अभी तक जो सरकार चली थी 14 से लेकर अब तक वो लोगों की अपनी आवश्यकताओं को पूर्ति के लिए चली थी। अब 2019 के बाद जी गए वो लोगों की अपेक्षाओं को पूरा करेगी और भारत को निश्चित तौर पर देशों के देश में एक नई ऊंचाइयों को नए आयाम तक ले जाएगी और विश्व पूरी का विस्तार करा पाएगा। इसी जश्न में जनता ने जो सहयोग किया है, जनता ने आदेश दिया है, उसके लिए मैं फिरोजाबाद की जनता को भी धन्यवाद देता हूँ, देश की जनता को भी धन्यवाद देता हूँ और मैं विश्वास करता हूँ कि जो उसकी अपेक्षा है उसको ये सब आ गया। हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी और बीजेपी जी भारी बहुमत से जीत होने पर नेपाल में वोट द्वारा हनुमान रोड पर हमारे निजी कार्यालय पर हमने उत्सव मनाया, आतिशबाजी करी और हिंदुस्तान मिश्रण रहा और सर्वत्र मिश्रण रहा है। हम लोगों ने आज हमारा एक व्यापार प्रकोष्ठ द्वारा एक क्विंटल का लक्ष्य था दूरी का, जो हमने सात जगह बंटवाई, राज्य में बंटवाई।